दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जोधपुर के एक पत्रकार के घायल होने पर मदद की और इलाज के लिए एम्स पहुंचाया। इसके लिए राहुल ने वाहनों का काफिला रोक दिया। हुमायूं रोड पर दुर्घटना में घायल पत्रकार राजेंद्र व्यास को अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके बाद वो पत्रकार को एम्स अस्पताल में इलाज के लिए ले गए। इससे पहले राजेंद्र सड़क पर घायल होकर गिर गए थे। जब राहुल गांधी का काफिला यहां से गुजरा तो उनकी मदद करने के लिए वो कार से उतरे और इस सामाजिक सरोकार का परिचय दिया। इस मानवीय कार्य को देखकर के राहगीरों ने भी राहुल गांधी की जमकर सराहना की। हुमायूं रोड पे पीछे से आती हुई मोटरसाइकिल ने मेरे को टक्कर मारी, मैं गिर गया। मेरे भाग्य बड़े अच्छे थे कि पीछे राहुल जी आ रहे थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी, उनके दो आदमी नीचे आए और उन्होंने मेरे को उठा करके अपनी गाड़ी में बिठाया। मैंने उनसे कहा, सर आपसे मिलना होगा, बहुत बड़ी बात, एक्सीडेंट मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा, नहीं ये बड़ी बात तो नहीं है, आपके हेड इंजरी हुई है, मैं आपको लेके जाऊंगा और ले जा करके पहले डॉक्टर को दिखाऊंगा। फिर उन्होंने मेरे को एम्स में ले गए, एम्स में डॉक्टरों से मिले, डॉक्टर से बात की और उसके बाद में उन्होंने अपने ओएसडी साहब को मेरे पास छोड़ा। उन्होंने मेरा पूरा ट्रीटमेंट किया, 4 घंटे मेरे साथ रुके और फिर मेरे घर छोड़ा। मैं उनका हृदय से आभार करता हूँ। ऐसे देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।